डियर स्टूडेंट्स, डिग्री इंजीनियरिंग यानी बीई और बीटेक 12th साइंस के बाद करना मुनासिब है या फिर डिप्लोमा के बाद, आइए इसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं, कई काउंसलर से ये सवाल करते हैं कि डिग्री इंजीनियरिंग बीई बीटेक का कोर्स हमें डिप्लोमा के जरिए करना चाहिए या फिर 12th साइंस के बाद करना चाहिए। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स पर इस क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करते हैं और फैसला आप पर छोड़ते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिप्लोमा से अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में दाखिला लेते हैं तो आपके लिए कुछ फायदे हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा में एडमिशन मिलना बनिस्बत 11th-12th साइंस के आसान होता है और आप 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते वक्त आपको इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट से आप फैमिलियर हो जाते हैं। 11th-12th साइंस के मुकाबले डिप्लोमा इंजीनियरिंग थोड़ा सा आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वो कंसेप्ट जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग फील्ड से है उसी को डिप्लोमा के कोर्स में रखा गया है, लिहाजा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ाई कंपेरेटिवली 11th-12th साइंस के आसान होती है। दूसरी चीज, चूंकि सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाते हैं डिप्लोमा में, तीसरा फायदा ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखने और समझने ज्यादा मिलती है, और चौथा फायदा यह है कि आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीईटी और जेडब्ल्यूई ये एग्जाम से बच जाते हैं और डायरेक्टली आपको डिग्री इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में दाखिला मिलता है। तो ये रहे कुछ डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के फायदे। और एक फायदा, पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा करने वाले सारे बच्चे किसी भी ब्रांच से वो डिप्लोमा अगर कंप्लीट करते हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, किसी भी फील्ड से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी भी फील्ड में सेकंड ईयर डिग्री इंजीनियरिंग में एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर सिविल से आपने डिप्लोमा किया है और डिग्री इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो इसको भी अलाउ किया गया है। तो ये कुछ फायदे थे डिप्लोमा से डिग्री इंजीनियरिंग करने। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, इसके कुछ नुकसानात या हम लोग कहेंगे डीमेरिट्स भी है। सबसे बड़ा डीमेरिट डिप्लोमा से डिग्री करने का ये है कि अगर आपने डिप्लोमा में से डिग्री इंजीनियरिंग में आप दाखिला ले रहे हैं तो ये लैटरल एंट्री होती है जो सेकेंड ईयर में होती है और इसमें टोटल इनटेक का सिर्फ 10% ही उसमें इनटेक कैपेसिटी होती है। यानी अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी की फर्स्ट ईयर बी इंजीनियरिंग में 60 सीट्स है तो लेटरल एंट्री के जरिए सेकंड ईयर में जब आपका एडमिशन होगा तो डिप्लोमा वालों के लिए वो 6 सीट ही अवेलेबल होगी, जबकि 12th वालों के लिए 60 की 60 सीट्स अवेलेबल होती है। तो ये सबसे बड़ा एक नुकसान या डीमेरिट हम कह सकते हैं कि 12th वालों के लिए आसानी इंजीनियरिंग के लिए सीट्स अवेलेबल होती है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा परसेंटेज अगर डिप्लोमा में कम आया, मार्क्स अगर कम आए डिप्लोमा में, उनके लिए डिग्री इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां तक मुंबई के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कट ऑफ तकरीबन 75-80% से ज्यादा मार्क्स पर कट ऑफ जो है वो खत्म होता है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे VJTI है, DJ सांगवी है, उसी तरह से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, उसी तरह से सरदार पटेल है, राजीव गांधी, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वहां तो डिप्लोमा का कट ऑफ 95-96% तक के जाता है। 12th साइंस से डिग्री इंजीनियरिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर IIT, NIT, IIIT या फिर सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो वो रास्ता JEE से गुजरता है, रास्ता JEE मेंस और एडवांस से होकर गुजरता है, जो डिप्लोमा वालों के लिए एक मुश्किल कड़ी बन जाती है। और 3 साल के डिप्लोमा करने के बाद में फिर से JEE देना, हालांकि वो एलिजिबल है, लेकिन 12th साइंस के बाद में डिग्री इंजीनियरिंग करने का और एक फायदा यह है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप न सिर्फ CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ना सिर्फ JEE, बल्कि और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे कि NEST, नेस्ट, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, NDA का एग्जाम है, उसी तरह से आर्किटेक्चर के लिए नाटा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स बच्चों के लिए ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं। और डिप्लोमा में जाने के बाद में चूंकि 10th में वो मेच्योरिटी लेवल नहीं होता बच्चों का, डिसीजन मेकिंग स्किल उतना ज्यादा नहीं होता, लिहाजा
तालिबे इल्म को एक स्टूडेंट को 2 साल का और जब मौका मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने का, तो उसके लिए डिसीजन लेना आसान होता है कि वो इंजीनियरिंग की तरफ जाए तो कौन सी ब्रांच के लिए जाए, या फिर आइजर या फिर जो है वो नाइजर या और नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए एयरफोर्स से या फिर एविएशन फील्ड में जाना चाहता है। तो एक और मौका 12 साइंस के बच्चों को होता है, जबकि डिप्लोमा में जाने के बाद में एक लाइन फिक्स हो जाती है और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट करने का मौका नहीं होता। तीसरा फायदा 12 साइंस से डिग्री इंजीनियरिंग करने का ये होता है कि 11 12 साइंस के अंदर जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के मैथ्स के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग होता है। आप सभी जानते हैं कि डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। 12 साइंस के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में होते हैं उनका बेस मैथमेटिक्स का बहुत मजबूत होने की वजह से उनके लिए डिग्री इंजीनियरिंग करना बमुकाबला डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आसान माना जाता है, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में से 3 सेमेस्टर में मैथ्स अवेलेबल ही नहीं है। मैथ्स को 3 सेमेस्टर में पढ़ना है और 3 में नहीं पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और चौथा फायदा ये है कि जैसा मैंने कहा कि पूरी की पूरी सीट्स यानी कि 60 सीट्स या 100% सीट जो है वो अवेलेबल होती है डिग्री इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है। जैसे डिप्लोमा से डिग्री जाने के बाद किसी भी स्टूडेंट को TFWS यानी कि ट्यूशन फी वेविंग स्कीम वाला फायदा नहीं मिल सकता, उसी तरह से और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप के फायदे डिप्लोमा से डिग्री वालों को नहीं मिलते जो कि 12th से डिग्री वालों को मिलते हैं। TFWS सीट यानी कि ट्यूशन फी वेविंग स्कीम में ये होता है कि हर ब्रांच के लिए 5% सीट वो TFWS के लिए रिजर्व होती है, और तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट की अगर कॉलेज की इंजीनियरिंग की फीस अगर वो 1,50,000 है 1,70,000 है तो उसमें मैक्सिमम फीस यानी तकरीबन 1.5 लाख में से 1,20,000 वो ट्यूशन फीस होती है, और TFWS सीट अगर मिल जाए तो स्टूडेंट्स के लिए वो फीस का बंदोबस्त करना बहुत आसान हो जाता है। JEE देना जो उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन वो 3 साल के बाद ये काम क्यों करे जबकि 2 साल के बाद ये काम किया जा सकता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट का CET में मार्क्स कम आता है या फिर JEE में मार्क्स कम आता है तो भी वो सारे ऑप्शंस जैसे BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc डेटा साइंस है या फिर और बहुत सारे नॉर्मल जो दूसरे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर BCA का कोर्स है या फिर BSc पेंट टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा कई कोर्सेज हैं, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BSc जो है वो फूड टेक्नोलॉजी है, ये सारे कोर्सेज जो है वो 12 साइंस के बाद सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो आप खुद ही फैसला करें, समझें कि आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में डिग्री इंजीनियरिंग में जाना है तो वो डिप्लोमा करके जाएं या फिर 12 साइंस के बाद जाएं। हमारी मुनासिब राय यही है कि आप अपने आप को पहले सही से एनालाइज करें, और अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से जा रहे हैं तो उसमें अपना 100% दें, मार्क्स अच्छे लाएं ताकि आप इंजीनियरिंग के डिग्री कॉलेज में आप एलिजिबल एडमिशन के लिए हो सके। अगर आपका जहन पुख्ता नहीं है, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं अभी, तो 11 12 साइंस से जाना ज़्यादा मुनासिब होगा।